नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट। हम लोग कर रहे थे यूनिट वन, अगर आप लोगों ने इसका पार्ट वन नहीं देखा है, जिसके अंदर मैंने दो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं इसके प्रोसेस तक, तो अगर आप लोगों ने मीनिंग और प्रोसेस वाला पार्ट नहीं देखा तो आप जल्दी से जाकर देखिए, उसके बाद ये पार्ट टू कंटिन्यू करना। तो अभी हम लोग फिलहाल बिना किसी प्रॉफिट लॉस के शुरू करते हैं हमारा पार्ट टू। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ये सारे टॉपिक्स और इसके अंदर हमारी यूनिट वन जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी। सो आइए एक बार पहले जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा टॉपिक है हमारा 7 C's, थर्ड टॉपिक आता है हमारा हाउ टू इम्प्रूव कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, एंड लास्ट टॉपिक आता है हमारा इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स, चार टॉपिक्स हैं, ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। जल्दी जल्दी बताऊंगा, इस यूनिट को मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता कि आप लोगों की 20-22 मिनट में ले जाऊं, 10 मिनट के अंदर आई एम ट्राइंग कि इसको मैं कंप्लीट करवा पाऊं। तो सबसे पहला आता है हम लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमारे कुछ 10 पॉइंट्स आते हैं। आप इसमें से कुछ 6 भी याद कर सकते हैं, कुछ 8 भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का क्या मतलब है यार, आपकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए ना वो हमेशा सिंपल होनी चाहिए। जब भी आप बात कर रहे हो, आपका मैसेज जो होना चाहिए वो हमेशा सिंपल होना चाहिए, वो कुछ इधर उधर का नहीं होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, हमेशा सिंपली बात करनी चाहिए। सेकंड आप लोगों को आता है क्लैरिटी, आप लोगों के मैसेज के अंदर ही क्लैरिटी होनी चाहिए। आप लोगों की वही चीज़ है, इधर उधर की बातें मत करो यार, सिंपल। अगर आप एक कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर आप कभी भी टीचर से बातें करते हो, प्रोफेसर से बातें करते हो, मैं कभी भी फॉर्मली बातें करता हूं तो यार तब ना हम लोग एक फॉर्मल टोन में बातें करते हैं। हम किसी प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं ना कॉलेज के, किसी डीन से बात कर रहे होते हैं तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाते हैं। किसी ऑफिस से अगर हमको कॉल आता है प्लेसमेंट के लिए, तब भी हम थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं। सो वही चीज़ है कि क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी बातों में। थर्ड आता है ब्रेविटी। ब्रेविटी पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, ब्रेविटी का जो सिंपल समीनिंग है कि आपकी जो बातें हैं ना वो कंसाइज होनी चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं होनी चाहिए, एक टू द पॉइंट आप लोगों को बात करनी है, वही आप लोगों का मीनिंग होता है ब्रेविटी का। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग ये बोलता है आप लोगों को कि आप लोगों को ना एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होती है आप लोगों का जब आप प्लानिंग करके बात करें। कहते हैं ना कि बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, तो प्लानिंग आप लोगों का पॉइंट वही वाला आता है। हम लोग जब हिंदी में मतलब एक कहावत है हमारी, सो ये प्लानिंग वाला पॉइंट वहीं से आ रखा है। फिफ्थ पॉइंट आप लोगों का एक्यूरेसी, आप लोग जो भी बात कर रहे हैं टू द पॉइंट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके होनी चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट आता है आप लोगों का अटेंटिवनेस। सिक्स पॉइंट है ये, अटेंटिवनेस का ये मतलब है कि सामने वाला बंदा है, दो बंदों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, सामने वाला बंदा भी भाई अटेंटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बक 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 कर रहा है, दूसरे वाला सुन ही नहीं रहा है, अटेंटिव है ही नहीं। एंड इसके अलावा एक पॉइंट आता है आप लोगों का रेलेवेंसी, आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स से रेलेवेंट होने चाहिए, जो भी आप बात करें वो रेलेवेंट होनी चाहिए, इररेलेवेंट बातें नहीं होनी चाहिए। एंड इसके अलावा फीडबैक होना चाहिए। अगर दो बंदे बात कर रहे हैं, एक बंदा बोले जा रहा है, दूसरा बंदा सुन रहा है लेकिन फीडबैक नहीं दे रहा है, तो वो भी एक खराब कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। एंड इसके अलावा हमारे दो पॉइंट्स और आते हैं यहाँ पे, टाइम कंसिडरेशन और लैंग्वेज कंट्रोल। टाइम कंसिडरेशन का ये मतलब है कि यार जो भी बातें हो रही है ना वो एक टाइम को कंसिडर करके करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बातें बहुत लंबी हो जाए, क्योंकि लंबी कम्युनिकेशन बहुत बार खराब हो जाती है। एंड इसके अलावा लास्ट पॉइंट आप लोगों का लैंग्वेज कंट्रोल। लैंग्वेज कंट्रोल आप लोगों का ये पॉइंट है कि जब दो इंसान बात कर रहे होते ना, तो दोनों इंसानों को एक लैंग्वेज कंट्रोल, लैंग्वेज बैरियर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब लैंग्वेज में बातें हो जाए, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब लो टोन में बातें हो रही है, टोन का भी ध्यान रखना होता है और लैंग्वेज का भी ध्यान रखना होता है कि भाई गाली गलौज नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज थोड़ी सुधार के बोलनी चाहिए। ये हैं हमारे सारे के सारे पॉइंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं 7 C's की। 7 C's के अंदर हम लोग का सबसे पहला आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का यार देखो सिंपल से ये मतलब आपका जो मैसेज है, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट बातें नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन अगर चल रही है दो इंसानों के बीच में तो हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या था, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का जस्ट वही मतलब है, टू द पॉइंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बातें चल रही है बहुत लंबी खिंच गई हैं। कंसाइजनेस का वही मतलब होता है कि यार आप लोग टू द पॉइंट बातें करो, कंसाइज छोटी सी फॉर्मेट में बातें करो, ऐसा नहीं है बहुत लंबी लंबी बातें करते जा रहे हो। कंसिडरेशन हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट। कंसिडरेशन का ये मतलब है कि कंसिडर करना चाहिए यार, ऐसा नहीं है कि सामने वाले इंसान को हम ले ही नहीं रहे हैं। मतलब कम्युनिकेशन अगर चल रही है, कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग सामने वाले इंसान को भी कंसिडर करेंगे, उसकी बातों को भी सुनेंगे, उसकी बातों को भी इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग, उसकी बातों को सुनकर हम लोग को रिस्पॉन्स देना है, तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन के अंदर आती है। क्लैरिटी का ये मतलब है जो भी बात हमारे बीच में चल रही है उसके बीच में क्लैरिटी होनी चाहिए, पॉइंट्स जो हमारे हैं वो क्लियर होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम हवा में बातें कर रहे हैं। सो क्लैरिटी हमारा वो एक पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा आता हमारा कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का ये मतलब है आपकी जो बातें हैं ना वो थोड़ा उनमें जोर होना चाहिए, ऐसा नहीं आप बिना पॉइंट्स के, बिना फैक्ट्स एंड फिगर्स के बातें कर रहे हैं, तो उनमें कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, उनमें थोड़ा सा जोर होना चाहिए। ठीक है, वो एक्चुअल फिगर्स के ऊपर होनी चाहिए, बातें अच्छी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को हम कॉन्क्रीटनेस में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा आता हमारा कर्टसी और करेक्टनेस। कर्टसी का ये मतलब है यार आपकी एक अच्छी कर्टसी होनी चाहिए, आप पोलाइट वे में बातें करें। जैसे अभी मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, इसको एक कर्टसी बोलते हैं। ठीक है, कर्टसी होती है अच्छे तरीके से बातें करना, एटिकेट्स होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए, उनके साथ बातें करना। लेकिन अगर हम लोग बात करें करेक्टनेस की, तो करेक्टनेस हमारा ये होता है कि हमारी जो बातें हैं वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे हमारे 7 C's हैं। 7 C's को अच्छे से याद करो, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बहुत अच्छे से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हाउ टू इम्प्रूव
कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। ठीक है भाई, आप लोगों को जो बोलते हो इंग्लिश और रिटन इंग्लिश, अब यहाँ पे मैंने मजे मजे में लिख दिया अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी की स्पेलिंग मुझे नहीं पता सही है नहीं है, वो चेक कर लेना अपने आप ही। बाकी हमारे कुछ 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं, इससे कम भी होते हैं, तो आप लोगों के ऊपर आप 6 के 6 भी याद कर सकते हैं, 6 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो 6 से कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सर सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर हमारा डेवलप रीडिंग हैबिट्स। रीडिंग हैबिट्स को आप लोगों को डेवलप करना है, मतलब आप लोगों को न्यूज़पेपर लेना है, मैगजीन्स लेनी है, इंग्लिश बुक्स लेनी है, अगर आप उनको रीड करेंगे तो उससे आप लोगों की जो इंग्लिश है वो अच्छी ऑब्वियसली होती रहेगी। सेकंड पॉइंट आता है कि वॉच इंग्लिश मूवीज और टेलीविजन शोज और अलग अलग चीज़ें, सीरीज वगैरह। तो अगर आप लोग ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा कि अगर वो कोरियन या फिर इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज का शो देख रहे हैं ना, या फिर उनकी मूवीज को बहुत बार देख रहे हैं, मतलब अलग अलग मूवीज अलग अलग सीरीज देख रहे हैं, तो वो बच्चे ना वो सीख जाते हैं लैंग्वेज को, थोड़ा बहुत सीख जाते हैं कि हाँ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका ट्रांसलेशन सीख जाते हैं, उसको बोलना सीख जाते हैं, हाय कैसे बोलना, बाय कैसे बोलना। तो वही चीज़ है कि आप अगर मूवीज देखते हैं, आप विजुअल्स देखते हैं, तो उसके थ्रू आप जल्दी सीखते हैं। प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड लिसनिंग, आप लोगों को इंग्लिश बोलना और सुनना दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, किसी एक इंसान के साथ, किसी दो तीन इंसान के साथ, क्लासरूम में, टीचर के साथ, घर पे, मम्मी पापा के साथ, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ, आप लोगों को इंग्लिश की स्पीकिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है हम लोगों का यहाँ पे यूज़ इन डेली लाइफ, हम लोगों को इंग्लिश को डेली लाइफ में यूज़ करना है, जिससे भी बातें कर रहे हैं वही थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है, जिससे भी बातें कर रहे हैं डेली लाइफ में हम लोग को इंग्लिश के अंदर बातें करनी है। लर्न वोकैबुलरी करिए, मतलब भाई इंग्लिश के अंदर ना हर हफ्ते या फिर हर महीने या हर साल के हिसाब से ना वर्ड्स बढ़ते रहते हैं। मैंने जो बचपन में इंग्लिश सीखी थी और अभी के आज के टाइम पे नए नए फंकी वर्ड्स आ गए हैं, अंग्रेजी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स आ गए, उनके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, तो आप लोगों को नई नई वोकैबुलरी, अपडेटेड वोकैबुलरी इंग्लिश की सीखनी चाहिए, उससे आप लोग जो इंग्लिश की बात करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। एंड इसके अलावा 6th पॉइंट आप लोगों का सीख फीडबैक, जब भी आप लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप लोगों को ना एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि आप लोग सीख फीडबैक करें, मतलब फीडबैक के लिए इंतजार करें, फीडबैक लें सामने वाले से। ठीक है, जब भी आप इंग्लिश में बात करें, चलो आपने दो लोग थे, आप लोगों ने बात करी, आपने बात तो कर ली, अब आप सामने वाले से पूछिए क्या मैंने सही बोला, क्या यार मैंने जो भी बोला एकदम सही था। अगर सामने वाले को अच्छी इंग्लिश आती है तो ऑब्वियस बात है आप लोगों को बता पाएगा, तो आप लोगों को फीडबैक भी लेना है। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं, हाउ टू इंप्रूव कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, जो कि है इफेक्टिव लिसनिंग। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे? सबसे पहला है लुक इनटू स्पीकर आइज, सामने वाले की आंखों में ध्यान दीजिए, सामने वाले की आंखों में देख के बातें करिए, तो बहुत अच्छा लगेगा उसको भी, मतलब आप अगर सुन रहे हैं वो बोले जा रहा है तो आप उसकी आंखों में देखिए, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बार होता है ना कि आप बातें कर रहे हैं, आप देखो मैं कैमरा में देख रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा मेरी वीडियो देख के, बट अगर बहुत सारे लोग ना कैसे होते हैं वो इधर उधर देख के बातें कर रहे हैं, भाई ऐसे ऐसे क्या, मतलब आंखों में देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अवॉइड इंटरप्टिंग एंड वेट फॉर राइट टाइम। इंटरप्ट मत करिए, अगर सामने वाला इंसान आपका पक 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 कर रहा है तो उसको पक पक करने दीजिए, आप लोगों को इंटरप्ट नहीं करना है। अगर आपको कुछ बीच में बोलना भी है, पहले पूरी बात को सुनिए, फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्स करिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों का बी प्रिपेयर टू लिसन। लिसन के लिए ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोगों को यार इफेक्टिव लिसनिंग तभी होती है जब आपको पता है कि हाँ मेरे को पूरी तरीके से सुनना है, चाहे सामने वाला इंसान एक घंटे बोल रहा है, चाहे सामने वाला इंसान पूरा मतलब दिन बोल रहा है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। ठीक है, वो सामने वाला इंसान कितनी भी देर बोल सकता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे आप लोगों को लिसनिंग के लिए मतलब सुनने के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर आप लोग प्रिपेयर हैं लिसनिंग के लिए, सुनने के लिए प्रिपेयर हैं, तो आप लोग जितना मर्जी सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों का लर्न टू कीप योर माइंड वैंडरिंग कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, आपका माइंड जो है ना बातें करते करते ना वो इधर उधर घूम जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है पर्सनली, कि जब भी मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर खो जाता है। सो बहुत सारे लोगों के साथ ये बात होती है। तो अगर हम लोग किसी की बात सुन रहे हैं तो हम लोग को अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है। सिंपल सी बात है, डिस्ट्रैक्ट मत होने दो माइंड को, अच्छे से पूरी बात को सुनो। नेक्स्ट आता है आप लोगों का बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड रह के आप लोगों को लिसन करना है, किसी को भी सुनना है। अगर आप लोग ओपन माइंडेडली नहीं सुनेंगे ना, तो आप लोग बहुत चीज़ों को हर्ट करवा लेंगे अपने ही ऊपर। ठीक है, मतलब होता ना कि यार सामने वाले ने कमेंट पास किया और आप लोग हर्ट, तो आप लोगों को ओपन माइंडेडली उसकी बातों को सुनना है, फिर रिस्पॉन्स करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिस आर्ट ऑफ मिररिंग। अब प्रैक्टिस आर्ट ऑफ मिररिंग, भैया क्या हम लोगों को सुनने के लिए भी मिरर के सामने खड़े होना है? नहीं, आप लोगों को मिरर के सामने खड़े नहीं होना है, वो तो स्पीकिंग के लिए आप लोगों की एक अच्छी आर्ट होती है कि मिरर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। सुनने के लिए आप लोगों को लिसनिंग के लिए वाला पॉइंट इसलिए रखा है। इसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि यार जैसे सामने वाला इंसान आप लोगों को बोल रहा है ना, वैसे आप उसके एक्सप्रेशन को कॉपी करिए। इसका ये मतलब है सामने वाले इंसान के एक्सप्रेशन को आप लोगों को कॉपी करना है, मिरर करना है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आता है आप लोगों का, मतलब अगर वो सीरियसली बात कर रहा है सीरियसली सुनिए, अगर वो आपसे कॉमेडी वे में बात कर रहा है आप कॉमेडी वे में उसकी टॉपिक्स को लीजिए और हंस के थोड़ा सा दिखाइए। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का गिव नॉन वर्बल फीडबैक्स। इसका ये मतलब है भाई नॉन वर्बल पॉजिटिव फीडबैक्स दीजिए। इसका ये मतलब है कि नॉन वर्बल फीडबैक देना है, मतलब आप बोल तो सकते नहीं है, तो आप लोगों को ऐसे नॉड करना है या फिर अलग अलग तरीके होते हैं जिससे आप लोग एक पॉजिटिव अच्छा फीडबैक उनको दे सकते हैं, वो भी बिना बोले। सो ये सारे आप लोगों के पॉइंट्स थे, 7 पॉइंट्स थे आप लोगों के इफेक्टिव लिसनिंग के। सबसे पहले तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं हटूंगा तो थोड़ा सा ब्लैकआउट हो जाता है, तो जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आते हैं हम लोग इनके ऊपर, एक बार इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमारे 7 चीज का, प्रिंसिपल्स का और हाउ टू इंप्रूव का। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आई होप आप लोगों को ये पूरा पार्ट पसंद आया होगा। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 2 यूनिट 1 का। यूनिट 1 हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी इतना ही, धन्यवाद।